नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए टीवी 20 न्यूज पर। अब शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसी अधिकृत विक्रेता, जहां आपको मिलेगा किर्लोस्कर व प्रकाश जनरेटर के साथ ही सेंचुरी प्लाईवुड, माइका व हार्डवेयर के सभी सामान। हमारा पता है नरौली तनस्क शोरूम और नगर पालिका सिविल लाइन आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9415207728, यानी 9415207728। तो खबर आजमगढ़ से है, जहाँ सगड़ी तहसील क्षेत्र के अजमतगढ़ खंड विकास से निकली अमृत कलश यात्रा पहुंची जनपद मुख्यालय। तिरंगा भारत माता के जयकारे के साथ निकली कलश यात्रा। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार गुरुवार की सुबह 11 बजे अजमतगढ़ विकासखंड परिसर में विकासखंड के ग्राम सचिव, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत सहायक, सफाई कर्मी, अजमतगढ़ मुख्यालय के कर्मचारियों ने एकत्रित होकर शहीद स्मारक से मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत विकासखंड विकास एवं एकत्रिम अमृत कलश यात्रा प्रभारी कमलेश के नेतृत्व में निकाली। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों ने तिरंगा ध्वज हाथ में लेकर भारत माता के जयकारे के साथ अजमतगढ़ मुख्य मार्ग भ्रमण करते हुए गोवा साग भीकी साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए जियनपुर कोतवाल विवेक पांडे, अजमतगढ़ चौकी इंचार्ज राजेंद्र सिंह पटेल पुलिस बल के साथ जियनपुर अंजान शहीद होते हुए चार पहिया वाहन बाइक जुलूस के साथ अधिशासी अधिकारी अलका मौर्य और अजमतगढ़ नगर पंचायत के कर्मचारियों सहित जनपद मुख्यालय पर पहुंची खंड विकास अधिकारी कविता तिवारी ने अमृत कलश यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान भाजपा के मंडल अध्यक्ष विजय सिंह पटेल, तारकेश्वर ओझा सहित दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता अमृत कलश यात्रा में शामिल रहे। अमृत कलश यात्रा में मुख्य रूप से प्रदीप उपाध्याय, अभिषेक भास्कर, अच्युतानंद त्रिपाठी, संजय यादव, राजू यादव सहित दर्जनों की संख्या में खंड विकास के कर्मचारी अमृत कलश यात्रा में सम्मिलित रहे। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ के थाना रौनापार पुलिस ने कूटरचित दस्तावेज के आधार पर पासपोर्ट बनवाने वाले को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, अभियुक्त दहेज हत्या का आरोपी भी है। आपको बता दें कि उपनिरीक्षक मधुसूदन चौरसिया थाना रौनापार द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत दर्ज किया गया था कि अरुण कुमार चौहान पुत्र खरपत्तू चौहान साकिन शिवान थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ द्वारा पासपोर्ट बनवाने हेतु आवेदन किया गया था, जिसमें अरुण कुमार चौहान द्वारा अपनी जन्मतिथि 6/7/1991 अंकित किया गया था। दौरान जांच पाया गया कि आवेदक द्वारा पूर्ण रूप से अरुण कुमार नाम से 1999 में पासपोर्ट बनवाया गया था, जिसमें आवेदक की जन्मतिथि 17/5/1976 अंकित है तथा उक्त पासपोर्ट का नवीनीकरण आवेदक द्वारा 2009 में कराया गया। अब आवेदक द्वारा अपने नाम से चौहान शब्द बढ़ाकर जन्मतिथि 6/7/1993 अंकित कर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर पासपोर्ट हेतु आवेदन किया गया है, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा संख्या 342, 419, 420, 467, 468, 471 बनाम अरुण कुमार चौहान पुत्र खरपत्तू चौहान साकिन सिवान थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ किया गया। आपको बता दें, गिरफ्तारी के विवरण में तो उपनिरीक्षक ओम प्रकाश सिंह महमराय द्वारा मुकदमा उपरोक्त संबंधित अभियुक्त अरुण कुमार चौहान पुत्र खरपत्तू चौहान साकिन सिवान थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को भगावर मोड़ से गिरफ्तार कर अभियुक्त का चालान मानी न्यायालय किया गया है। खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ के अतरौलिया थाना द्वारा दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि वादनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि अभियुक्त नीतीश राजभर पुत्र राजेंद्र राजभर निवासी भुड़कुड़ा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ द्वारा वादनी की गूंगी भरी पुत्री को अपने घर बुला करके उसके साथ दुष्कर्म किया था तथा वादनी के द्वारा पिता राजेंद्र राजभर से बताने पर सुलह करने के लिए जबरदस्ती दबाव बनाना तथा मना करने पर जान से मारने की धमकी दिए जाने के संबंध में थाना पर मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं नीतीश राजभर पुत्र राजेंद्र राजभर, राजेंद्र राजभर पुत्र अज्ञान निवासी गढ़ ग्राम भुटकड़ा थाना अतरौलिया आजमगढ़ के पंजीकृत कर विवेचना थाना अध्यक्ष उप निरीक्षक सविंदर राय द्वारा की जा रही थी। गिरफ्तारी के विवरण में आपको बता दें तो महम राय द्वारा मुकदमा उपरोक्त संबंधित अभियुक्त नीतीश राजभर पुत्र राजेंद्र राजभर निवासी बुड़कुड़ा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ को सौसैया अस्पताल के पास से गिरफ्तार कर चालान किया गया है। तो वहीं अतरौलिया ने दूसरी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित पशु में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, पूरा मामला तो ग्राम सेलरापट्टी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ अपने साथियों के साथ पिकअप में 3 प्रतिबंधित पशु लाद कर वध करने हेतु ले जा रहे थे। इसकी सूचना पर उप निरीक्षक राम निहाल वर्मा महमराय ने पिपरिया का मोड़ शिवकुला में अभियुक्तों मेहदी हसन उर्फ जुल्फन निवासी मैया थाना
अरेवला आजमगढ़ तौतीनपुर निवासी मियां थाना अरेवला आजमगढ़ 30 जिसकी उम्र 30 वर्ष है, पिकअप वाहन से लदे प्रतिबंधित वस्तुओं के पशुओं के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध तो खबर आजमगढ़ से है, जहाँ बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के रायपुर खुरासिन गांव निवासी रमेश वर्मा पुत्र तेज प्रताप वर्मा का आरोप है कि मेरे ही गांव का एक व्यक्ति मेरी पत्नी सुमन और मेरी 8 साल की बच्ची रिया को अपने साथ भगा ले गए हैं। साथ में 2 लाख से अधिक का आभूषण सहित अनेकों कीमती सामानों को साथ में लेकर भाग गया है, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा स्थानीय थाने पर की गई, लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। घटना को 1 माह हो चुके हैं, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा उच्च अधिकारियों से भी की गई, फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई असंतोषजनक दिखाई दे रही है। वहीं पुलिस द्वारा संतोषजनक कार्रवाई न करने के पश्चात इसकी शिकायत मेरे द्वारा मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी की गई है, जहां सरकार महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करती है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र से एक महिला का इस तरह से गायब हो जाना और पुलिस के द्वारा अभी तक कोई भी सुराग हाथ नहीं लग पाना। वहीं उन्होंने बताया कि सुमित मेरे गांव का बड़ा शातिर और दबंग किस्म का व्यक्ति है, मुझे शक है कि वह मेरी पत्नी और बेटी की हत्या न कर दे। मैं पुलिस के यहां बार बार प्रार्थना पत्र दे रहा हूं, लेकिन पुलिस द्वारा मात्र आश्वासन ही दिया जा रहा है। आपको बता दें कि सुमन की शादी 14 वर्ष पूर्व रमेश के साथ हुई थी, यह भी प्रेम विवाह था। सुमन से 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा 11 साल का और बेटी 8 वर्ष की है। वहीं सुमन का प्रेम प्रसंग गांव के सुमित से चल रहा है। सुमित सुमन को भाला फुसला करके अपने साथ भगा ले गया है, साथ में मेरी बेटी को भी लेकर चला गया है। मुझे डर है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। अगर पुलिस द्वारा शीघ्र ही संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई तो हम इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर जनता दरबार में करेंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है पीड़ित ने, सुनिए। खुरासिन कप्तान गए, क्या समस्या आपकी है? समस्या हमारी है लगभग 1 माह से, कितने दिन? 22/9/2023 को हमारी पत्नी गायब हो गई है घर से। क्या नाम था पत्नी का? सुमन वर्मा। सुमन वर्मा, क्या मतलब कि किस समय घटना, दिन की रात की? रात की लगभग 12 बजे रात 12 बजे गायब हो गई। उसके साथ एक बच्ची है। कितने दिन की? 8 साल की। मतलब घर से गायब हो गई है, किसी के साथ चली गई है, कुछ मतलब आपको लग रहा है? घर से गायब हुई है कि किसी के साथ गई? आपने अपने रिलेशन वगैरह में पता किया? किसी के साथ गई है। किसी के साथ गई है, आपको पता है ना? लगभग साथ गई, बताओ किसी के साथ गई है? एक कन्फर्म अभी नहीं पता है, लेकिन किसी के साथ गई है। अच्छा, कन्फर्म नहीं है। हाँ, तो कैसे कह सकते किसी के साथ गई? जैसे किसी पे शक है आपको? हाँ जी। तो कहीं आना जाना था तो किसी के साथ भागी होगी? हाँ जी। तो घर से जेवर कपड़े लत्ते सारी चीज़ें बता रहे, 2 लाख का आभूषण सारी चीज़ें बता रहे जब लेके गई है। मेरे घर से जेवर है, पूरा कपड़ा है, साथ में एक बच्ची है। कितने का जेवर है? 2 लाख का जेवर है लगभग। कपड़ा पूरा है, मतलब 2 बैग लगभग सामान था पूरा। पूरा अपना डॉक्यूमेंट पूरा, जैसे हाई स्कूल इंटर BA सब मार्कशीट। प्लान के साथ भागी है? हाँ जी। तो कहीं गुमसुदगी बता रहे हैं? इसको कहे दे रहे हैं तो भागी है। इसके पहले कोई झगड़ा वगड़ा आपसे कोई विवाद वाद नहीं? तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं मतलब इसके इस कार्रवाई की जाए आगे। आज 1 माह से अधिक हो गया, तो आपको क्या सफलता मिली इसमें? अभी कुछ नहीं, थाने गया था, वहाँ बोले हो जाएगा। जब वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिला गया जिला अधिकारी के पास, वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं आज तक हुई। इसके हमने फिर पोर्टल पर डाला, वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको क्या डर सता रहा है? उसके क्या लग रहा है आपको आगे कोई मतलब? सर हमको ये लग रहा है, मान लीजिए अगर इसकी कोई नई खबर मिलेगी, मतलब उसके साथ अगर कोई घटना दुर्घटना घट जाएगी। अच्छा, मतलब आपको कोई अंदेशा है कि कोई घटना अपनी घटना ना हो जाए? घट सकती है या घट गई हो? घट गई है या तो कंफर्म अब पता चलने के बाद ही पता चलेगा ना। मोबाइल साथ गई है क्या? मोबाइल है सर। मोबाइल साथ में? हाँ। बात हो रही है मोबाइल से? नहीं, मोबाइल बंद है, मोबाइल डेड पड़ा हुआ। तो आप अपने हिसाब से आप ढूंढ रहे हैं, पुलिस से मदद चाह रहे हैं, लेकिन पुलिस द्वारा कोई संतोष कोई मदद नहीं मिल रही है। खबर आजमगढ़ से है, जहां पूर्व जिला मंत्री ने मेहनगर में कलश यात्रा को हरी झंडी दिखाकर
रवाना किया। आपको बता दें आजमगढ़ जनपद के मेहनगर नगर पंचायत से गुरुवार को पूर्व जिला मंत्री व भूमि विकास बैंक मेहनगर के चेयरमैन अरविंद सिंह ने मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा को हरी झंडी दिखाकर मेहनगर पंचायत से अजमतगढ़ हिरियौत कला भवन के लिए रवाना किया। कार्यक्रम में देशभक्ति के गीत के साथ ही भारत माता की जय जयकारे लगाए गए। इस मौके पर तीसरा राम अनुसूचित आयोग के उपाध्यक्ष चेयरमैन प्रतिनिधि रामबदन कनौजिया, भूमि विकास बैंक चेयरमैन अरविंद सिंह, ईओ सूर्यनाथ सरोज, वरिष्ठ लिपिक अशोक दुबे, सभासद प्रतिनिधि समर सिंह तथा सभी कर्मचारी उपस्थित रहे। खबर आजमगढ़ से है जहां प्रसव के बाद नवजात बच्चे की मौत हो गई है। आपको बता दें परिजनों ने डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार जहां स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने में जुटी हुई है, वहीं एक ताज़ा मामला सामने आया है कि सामान्य प्रसव के बाद भी बच्ची की मौत हो गई और परिजनों ने डॉक्टर समेत अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि क्षेत्र के भुड़कुरा बढ़िया निवासी अशोक तिवारी पुत्र ब्रह्मदेव तिवारी ने आरोप लगाया है कि अपने भाई की पत्नी दीपा, जिसको प्रसव के लिए सौसैया संयुक्त चिकित्सालय पर ले आए थे जहां 8 बजे उसका प्रवेश लिया गया था, तथा डॉक्टर ने जच्चा बच्चा दोनों की स्थिति को सामान्य बताते हुए डॉक्टर अमित सिंह के निगरानी में भर्ती किया था, तथा यह आश्वासन भी दिया गया कि दोपहर तक बच्चा सामान्य डिलीवरी से हो जाएगा। उन्हें शायद 3 बजे जानकारी दी गई कि दोनों ठीक हैं, अब डिलीवरी के लिए ले जाया जा रहा है। परिजनों में काफ़ी खुशी थी। वहीं 3:30 बजे बताया गया कि सामान्य डिलीवरी के से बच्ची पैदा हुई है, लेकिन वह रो नहीं रही है। इसके लिए डॉक्टर द्वारा बाहर से इंजेक्शन लिखा गया। पीड़ित जब इंजेक्शन लेकर वापस अस्पताल पहुंचा तो 4:20 पर गुमराह करते हुए बताया गया कि बच्ची की मौत हो चुकी है। इस दौरान परिजनों ने 112 नंबर पर सूचना देकर पुलिस भी बुला ली। वहीं परिजनों ने यह गंभीर आरोप लगाया है कि अस्पताल प्रशासन द्वारा बच्ची के मौत के बाद परिजनों को गुमराह किया गया। डॉक्टर और स्टाफ नर्स की लापरवाही के चलते नवजात बच्ची की मौत होने से देर रात तक परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा किया। वहीं पीड़ित परिजनों ने डॉक्टर व नर्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आइए सुनाते हैं कि पीड़ित व स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर एस के ध्रुव ने इस मामले में क्या कुछ कहा। डॉक्टर साहब, आपके सौसैया अस्पताल में महिला विंग में एक डिलीवरी का केस को लेकर कुछ जनता या मतलब कुछ अटेंडेंट बवाल किए हैं कि एक्सपायर हुए हैं, कि अस्पताल के ऊपर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। बच्चा एक्सपायर हुआ, ये क्या है इसके? ये एक बच्चा प्रसूता और लेकर के 7 बजे आए थे, अस्पताल में भर्ती हुए थे, जिसको डॉक्टर अमित सिंह ने देखा भी था। डिलीवरी नॉर्मल हो गई थी। बच्चा भी मतलब स्वस्थ पैदा हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, बच्चे की इन्फेक्शन अंदर बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन वजह से स्थिति उसकी मृत्यु हो गई है। अब मेरे पास कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ, अगर प्रार्थना पत्र प्राप्त होगा तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। क्या नाम भी आपका? मेरा नाम अशोक तिवारी है। क्या आज क्या परेशानी, क्या दिक्कत है, आप यहाँ 100 नंबर बुलाए हैं, क्या दिक्कत है? जी, सुबह करीब 6 बजे हमारे जो छोटे भाई की पत्नी है उनको डिलीवरी होनी थी, अचानक पेट में दर्द होने लगा। मैं लेके अपने यहाँ बढ़िया पहुँचा तो वहाँ के डॉक्टर जो क्षेत्रीय हैं उनसे पता लगा कि ले जाइए इनको PGI में, सब कुछ स्थिति सही है, डॉक्टर बच्चा नॉर्मल हो जाएगा। मैं यहाँ 8 बजे लेके आ गया, डॉक्टर ने देखा, उनकी जांच की और बताया जच्चा बच्चा नॉर्मल है, 12 बजे तक बच्चा हो जाएगा। मैं उनको एडमिट करा लिया। बीच बीच में मैं उनसे जानकारी लेता भी रहा कि दोनों अगर कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, नहीं कहना नॉर्मल है, 12:30 अधिकतम 1 से 1 बजे के बीच में बच्चा हो जाएगा। और इसी तरह से मुझे टाइम यहाँ रहते रहते 3 बज गया, लेकिन बच्चा नहीं हो पाया। तो मैंने कहा अगर कुछ करना है या तो आप जवाब दीजिए, नहीं तो आप जैसा कुछ हो बताइए। तो यहाँ इन्होंने कहा ठीक है, 3 बजे 3-4 डॉक्टर लोग अंदर गए, 3-4 नर्स गईं, और उसके बाद पता लगा कि 3:30 बजे ये लोग बाहर निकले। मुझे एक इंजेक्शन का लिख के दिया गया कि आप इंजेक्शन बाहर लेके आइए, बच्चा रो नहीं रहा, बच्ची हुई है रो नहीं रही है। मैं इंजेक्शन ले करके आया, उसके बाद लोग रो रहे, मैंने पूछा क्या हुआ तो कोई बता नहीं रहा। जब मैंने डॉक्टर से पूछा तो वो कहीं बड़े डॉक्टर ने आपको कुछ जानकारी नहीं दी। मैंने कहा मुझे कोई जानकारी नहीं, आप बताइए कि क्या स्थिति है। तो उन्होंने कहा कि बच्ची ख़त्म हो गई है। और इसके लिए मैं यही मानता हूँ कि पूरी तरह से ये जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है ये जिम्मेदार है, यहाँ के अधीक्षक जिम्मेदार हैं, यहाँ के जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर थे वो जिम्मेदार हैं, जो नर्स लोग थे उनकी लापरवाही जिम्मेदार है, जिसके कारण एक बच्ची की जान गई। आप अभी क्या बताए थे कि डॉक्टर आप समय पे देखने नहीं आ रहे, क्या इसके बारे में? जी, मैं जब से एडमिट किया हूँ एक बार डॉक्टर अमित सिंह जी आए, देख के गए नॉर्मल, उन्होंने कहा बच्चा, डॉक्टर ने कहा कि बच्चा नॉर्मल होगा, कोई चिंता की बात नहीं है। एक बार नर्स है वो चेक करने गई, बीच में कोई चेक करने नहीं गया,
करीब 2 बजे जब मैंने कहा कि अगर आप लोग जवाब नहीं देना, मैंने थोड़ा बोलना शुरू किया तो 3-4 लोग गए हल आनंद फानंद जाँच किए, कहीं इसका ब्लड वाली रिपोर्ट लेके आई है। तो मैं रिपोर्ट लेने गया तो पता लगा डॉक्टर लोग अब जा चुके हैं, रिपोर्ट भी नहीं मिलने वाली, एक जगह से मिली एक जगह की नहीं मिली। फिर मैं लेके गया तो 3 बजे लोग अंदर लेके गए, 3:30 बजे तक अंदर उसको दबा दबा के प्रेशर किए उसके गले पर, बच्ची के गले पर अभी तक भी निशान भी बना हुआ है। और उसके बाद पैदा होने के बाद फिर पता लगा कि बच्ची जो है रो नहीं रही, पैदा हो गई रो नहीं रही है, उसको ऑक्सीजन दिया। क्या क्या आरोप है आपका, क्या मानते हैं? मेरा आरोप ये है कि इसके लिए पूरा का पूरा अस्पताल के जो भी कर्मचारी रहे, ऑन ड्यूटी जो डॉक्टर रहे, वो पूरे जिम्मेदार हैं इसके लिए, अमित सिंह जी पूरे के पूरे जिम्मेदार हैं, और इसके लिए उचित कार्यवाही हो ताकि जो मेरे साथ हुआ है भविष्य में किसी मेरे और भाई के परिवार के साथ ना हो। आजमगढ़ शहर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बजरंग दल आर्यमगढ़ के तत्वावधान में शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसके मुख्य वक्ता पूर्व विभाग अध्यक्ष हिंदी विभाग दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज आजमगढ़ प्रोफेसर प्रभुनाथ सिंह मयंक रहे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रोफेसर मयंक जी ने कहा कि भारतवर्ष में अनादिकाल से शक्ति की उपासना होती रही है। हिंदू धर्म के समस्त देवी देवता अपने हाथों में धर्म की रक्षा हित भांति भांति के शस्त्र धारण करते हैं तथा देश में जब जब धर्म की हानि होती है तो धर्म की रक्षा के लिए उन शास्त्रों का प्रयोग कर समाज को सुरक्षा प्रदान करते हैं। मधु कैटम नामक 2 असुरों के त्रास से समाज की रक्षा हित देव शक्तियों द्वारा शास्त्रों का प्रयोग कर इन असुरों का वध किया गया। इसी प्रकार भगवान राम द्वारा धर्म की स्थापना और असुरों के उत्पात को समाप्त करने के लिए सज्जन शक्तियों का संग्रह करते हुए हनुमान जी की शक्ति को जागृत कर उन असुरों का संहार किया था। दुष्ट और आसुरी शक्तियां हर काल में अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास करती हैं। इसी क्रम में उनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही उथल पुथल को इंगित करते हुए यह विश्वास भी व्यक्त किया गया कि सज्जन शक्तियों के संग्रह द्वारा ऐसी समस्त आसुरी शक्तियों का समूह नाश किया जाएगा। भारतवर्ष की वर्तमान परिस्थितियों की चर्चा करते हुए उन्होंने भगवान राम एवं रावण युद्ध की उन परिस्थितियों का जिक्र किया जब भगवान के बार बार अनुनय विनय करने पर भी समुद्र ने रास्ता देना न स्वीकार किया। तब गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्तियों में विनय ने मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत बोले राम स्कोप तब भय बिन होय न प्रीत। इस प्रकार शांति की स्थापना हित शक्ति का धारण किया जाना और अनिति कारक शक्तियों में उन सज्जन शक्तियों के प्रति भय का होना अनुशासित समाज के लिए आवश्यक है। उन्होंने बजरंग दल द्वारा आयोजित शस्त्र पूजन कार्यक्रम के माध्यम से समाज की सज्जन शक्तियों को धर्म की रक्षा हेतु एक। तो एक खबर आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ के जीनपुर थाना पुलिस ने जनपद मऊ का टॉप 10 अपराधी हत्या लूट व हत्या के प्रयास व गैंगस्टर एक्ट संबंधित अभियुक्त अवैध असलाह कारतूस व चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें उपनिरीक्षक जाफर खान, उपनिरीक्षक अभिषेक यादव महम राय द्वारा खुर्द कोडरा मोड़ पर संदिग्ध व्यक्तियों वाहनों की चेकिंग के दौरान अभियुक्त रविंद्र यादव पुत्र रमाकांत यादव निवासी रसूलपुर थाना घोषी जनपद मऊ उम्र लगभग करीब 30 वर्ष को एक पिस्टल 7.65 बोर 2 जिंदा कारतूस 7.65 बोर व एक मोटरसाइकिल चोरी की व 170 रुपये के साथ समय करीब 10:30 बजे गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानी पर मुकदमा संख्या 3/25 ए एक्ट व 411, 413, 467, 468, 471 बनाम रविंद्र यादव पुत्र रमाकांत यादव निवासी रसूलपुर थाना घोसी जनपद मऊ पंजीकृत कर विवेचना अपनीक्षक अरविंद कुमार यादव द्वारा संपादित कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। शरद पूर्णिमा से लगने वाले 3 दिवसीय ऐतिहासिक मेले की तैयारियां जोरों पर है। खबर अतरौलिया से है, जहां अतरौलिया का प्रसिद्ध ऐतिहासिक मेला जो पूर्णिमा के दिन शुरू होता है और लगातार 3 दिनों तक रहता है, इस बार अतरौलिया का मेला 29 और 30-31 तक रहेगा। उसे लेकर तैयारियां इन दिनों जोरों पर चल रही है। जगह जगह विद्युत झालरों से पूरे नगर पंचायत को सजाया जा रहा है। वहीं प्रमुख स्थानों पर लगने वाली मूर्तियों को मूर्ति रूप दिया जा रहा है। भव्य पूजा पंडाल को देखने के लिए बहुत ही दूर दूर से लोग आते हैं, जिसकी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। वहीं मेले की तैयारी को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद रहता है। लगातार 3 दिनों तक चलने वाले इस ऐतिहासिक मेले के आखिरी दिन लगभग 1 लाख से ऊपर की भीड़ लगती है और मेला पूरी रात चलता है। वहीं मेले में सामानों की बिक्री के लिए दूर दूर से दुकानदार अभी से अपनी दुकानों को व्यवस्थित करने में लगे हैं। नगर पंचायत में लगने वाले इस ऐतिहासिक मेले के पहले दिन और दूसरे दिन पूजा पंडाल मेले के पहले
दिन और दूसरे दिन पूजा पंडाल में पूजा पाठ के साथ मूर्तियों के पट खोलकर मेला शुरू कर दिया जाता है, तो वहीं तीसरे दिन जमकर खरीदारी के साथ भव्य मेला लगता है जिसमें लगभग लाखों लोग पहुंचते हैं। आखिरी दिन पूजा पंडाल में जागरण व मनमोहक झांकी का भी आयोजन किया जाता है। पूजा पंडाल के पास समिति के वॉलंटियर तथा प्रशासन के लोग बराबर चक्रमण करते रहते हैं। इस ऐतिहासिक मेले को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। आइए सुनाते हैं कि पूजा समिति के अध्यक्ष और सदस्यों ने क्या कुछ कहा। अपना पर्ची देते हुए बताइए, अतरोया का मेला इस वक्त जोरों शोरों पर तैयारियां चल रही हैं, ये मेला कब से लगेगा और कितने की संख्या में भीड़ आती है और कितने वर्ष पुराना मेला है ये अतरोया के ऐतिहासिक मेला के बारे में जानकारी दीजिए। मैं प्रवीण कुमार, गोला क्षेत्र दुर्गा पूजा समिति के सदस्य हूँ। अतरोया का मेला काफ़ी पुराना मेला है और इस मेले को पूर्णिमा का मेला कहा जाता है, चूँकि ये शरद पूर्णिमा के दिन लगता है और अतरोया का मेला 29 को प्रारंभ होगा, 29, 30 और 31 को रहेगा। 31 की रात में या पहली तारीख के सुबह तक इसका विसर्जन होगा, क्योंकि अतरोया का मेला लगभग सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा है यहाँ की, जो पूर्णिमा को लगता है। अब की बार मेले में खास बात ये है कि जैसे हमारे यहाँ मुसाफिर चौक पर माँ वैष्णो देवी की गुफा बन रही है, तो संकट त्रिमोहानी पर प्राकृतिक साग सज्जा में माँ विंध्यवासिनी की स्थापना हो रही है, दुर्गा गोला क्षेत्र में एक पुराना प्राचीन मंदिर बन रहा है, तो वहीं हनुमानगढ़ी में भव्य पंडाल का रूप दिया जा रहा है, तो वहीं बरन चौक पर जैसे दुर्गा जी हैं कभी मोती के रूप में तो कभी शिव के रूप में कभी सरसों के रूप में, इस तरीके से बरन चौक पर मूर्ति रखने की परंपरा है। जैसे मेले के बारे में कहा जाए तो ये मेला काफ़ी प्राचीन होने के साथ साथ बहुत ही विशाल मेला लगता है। यहाँ पे लगभग लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और 3 दिन तक यह मेला लगता है और ये मेला तीसरे दिन अनवरत रात भर चलता है। 2 दिन तो मेले में पूजा पाठ होता है, 3 दिन यहाँ पे लोगों का व्यापक मनोरंजन होता है जिससे मेला अपने चरम सीमा पर पहुँचा। जैसे अगर हम यूँ कहें तो अतरोया मेले में पूरा अतरोया नगर पंचायत झालर लाइटों से सजाया जाता है, बाजार का कोई भी गली आप प्रकाशमय पाएंगे और रंग बिरंगे झालर सजाएंगे, जिसमें से संकट त्रिमोहानी में झालरों की सजावट खास रहती है। गोला क्षेत्र, नजुअक दल, जायसवाल त्रिमोहानी, बब्बर चौक, सब अपने अपने रूप से अपने अपने आकर्षण के रूप से मेले को सजाते हैं, जो एक अद्भुत रहता है। ये अगर हम यूँ कहें तो ये अतरोया का मेला लगभग 40 किलोमीटर कि क्षेत्र से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो 3 दिन तक जब तक यहाँ माँ विंध्यवासिनी की स्थापना रहती है तब तक वो निराजल व्रत भी रहते हैं। ये अब की बताइए, लगभग मेले में लगभग कितने लोग की आने की संभावना है, कितने लोग दर्शनार्थी आएंगे? अगर हम पुरानी परंपराओं को ध्यान में रखकर बोलें तो लगभग 2 से 2.5 लाख लोग मेले में दर्शन करेंगे। क्या नाम है भैया, ये मेले की तैयारी हो रही है? हमारा नाम पिंटू मधेसिया है, वार्ड नंबर 9 का मैं सभासद भी हूँ। हनुमानगढ़ी अतरोया में यहाँ बाबा केदारनाथ का अगले साल बना था, इस बार बन रहा है बाबा बद्रीनाथ का मंदिर। आज ये मान के चलिए 4000 साल से इस हनुमानगढ़ी में दुर्गा जी का स्थापना हुआ है। कब लगती है, कब से लगती है? 29 तारीख को लगी पूर्णिमा के दिन, 29, 30, 31 को 1 को विसर्जन है। लगभग पूरे मार्केट में 2 दर्जन प्रतिमाएं बैठती हैं दुर्गा जी की। मेला कब तक चलता है? मेला 3 दिन चलता है और मेला 2 बजे रात तक चलता है। कितनी भीड़ आती होंगी, लगभग कितनी भीड़ लगी? लगभग लाखों की भीड़ रहती है मेले में। तो ये सबसे बाद में मेला लगता है, इसके बारे में बताइए। नहीं, मेला सबसे बाद में पूर्णिमा के दिन से चालू होता है, ये बहुत पहले से चले आ रहे, जब से हम लोग बचपन से देख रहे हैं पूर्णिमा के दिन से मेला ही चालू रहता है, 3 दिन मेला लगता है। हाँ, क्या क्या व्यवस्था रहती है, लाइट की और पुलिस की क्या व्यवस्था रहती है? नहीं, लाइट की व्यवस्था बहुत अच्छी रहती है, पंडाल भी कोई कारीगर बात नहीं आता है, मार्केट के ही बच्चे बनाते हैं काफी बढ़िया मात्रा में, बात नहीं है। इस बार क्या लगता है आपको, कितनी उम्मीद लगेगी, कितनी की जनसंख्या आएगी? नहीं, जनसंख्या इस बार आएगी बात नहीं है, जनसंख्या लाखों की फिर आएगी। अपना परिचय देते हुए बताइए कि अपनी अतरोया के मेले की तैयारियां हो रही हैं, कब से मेला लगेगा और कहां कहां मूर्तियां बैठती हैं, कितने श्रद्धालु आते हैं ये बताइए। हम श्री शंकर त्रिमोहानी के अध्यक्ष हिमांशु विनायकर। हमारे यहां जैसे मेला
तीन दिवसीय चलता है, 3 दिन 29, 30, 31 ये ऐतिहासिक मेला लगता है। ये 40-50 वर्षों पुराना मेला है। जो ऐतिहासिक मेला लगता है, लाखों के संख्या में करीब श्रद्धालु अतरौलिया बाज़ार का मेला देखने आते हैं। जो हम लोगों की तैयारी है, हम लोगों का पंडाल का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। जैसे कि मेला बता दें तो सब जितने भी पंडाल हैं, करीब 30-35 पंडाल होंगे, सबका काम चल रहा है। बहुत ही अच्छा मेला इस बार भी बाज़ार वालों के सहयोग से जो लगता है मेला, बहुत ही शानदार और बहुत ही जोरदार मेला इस बार भी लगेगा। ये मेला कितने बजे रात तक चलता है, कितने श्रद्धालु आते, कितने लाखों? ये करीब मान के चलिए 2 से 3 बजे तक भीड़ रहती है, और ये मान के चलिए लाखों की संख्या से कम नहीं भीड़ होती है। 3 दिन लगातार चलता है। इस बार आपकी मूर्तियाँ क्या तैयारियाँ हैं, कौन सी मूर्ति लग रही है, कोई आपके यहाँ ऐसी बताइए? हमारे यहाँ तो ये समझ लीजिए कि 9 दुर्गा की इस बार स्थापना किया जाएगा शंकर तीर मोहानी में, और 9 दुर्गा जो है झूले पे झूलेंगी। दिल्ली से है जहाँ माननीय न्यायालय श्री आर के त्रिपाठी एलडी प्रधान न्यायाधीश फैमिली कोर्ट ने सोनिया अख्तर बनाम सौरभ अख्तर के मामले में याचिकाकर्ता सोनिया अख्तर और उनके वकील डॉक्टर एपी सिंह को मुस्लिम कानून के तहत वैवाहिक अधिकार की बहाली के मामले में सौरभ को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें दिनांक 26/10/2023 को जिला कोर्ट 30 हजारी दोपहर लगभग 12 बजे मुलाकात होगी। क्या कुछ कहा इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह ने, आपको सुनाते हैं। आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 30 हजारी कोर्ट में प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट ऑनरेबल आर के त्रिपाठी साहब की कोर्ट में जो सोनिया अख्तर वर्सेस सौरभ अख्तर सौरभ कांत तिवारी का केस रिस्ट्रिक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट्स का मुस्लिम लॉ के तहत था, उसमें ऑनरेबल फैमिली कोर्ट 30 हजारी कोर्ट ने आज बड़ा आदेश किया है। तमाम दिक्कतों को दूर करते हुए दस्ती नोटिस इशू किए हैं सौरभ अख्तर तिवारी को विद इन ए वीक, 1 हफ्ते के अंदर सोनिया अख्तर अपने पति दोनों जगह, एक शिवालिक भी है और एक अलवर राजस्थान में भी इसकी ससुराल है, दोनों जगह दस्ती नोटिस के आधार पर ऑल सभी मोड के आधार पर किए गए हैं, जिसमें सोनिया अख्तर अब वहां है शिवालिक और अलवर जाकर के उनको सर्व भी कराएगी और साथ में रहेगी भी। और आशा है अब सोनिया अख्तर दिवाली अपने पति के साथ और जो सौरभ कांत तिवारी सौरभ अख्तर सोनिया अख्तर का बच्चा है अनु 1.5 साल का, वो अपने पिता के साथ दिवाली मनाए, ये खुशी है। और इसी आधार पर आगे की प्रोसीडिंग होगी और एक सारी कार्रवाई चलेगी, और उन्हें समझना पड़ेगा कि भारत में केवल इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता सोनिया अख्तर की, वो सोनिया अख्तर है, एसेस्ट जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सोनिया अख्तर को इस देश में एसेस्ट जस्टिस के आधार पर मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। भारत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लेकर चलता है और महिलाओं के कानूनों के लिए पूरा संरक्षण देता है, और सोनिया अख्तर के केस में आज 30 हजारी की माननीय फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज ऑनरेबल आर के त्रिपाठी साहब की कोर्ट ने आज आदेश जारी कर दिया है, जिसमें ये खबर आजमगढ़ से है जहाँ मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत आज़ादी का अमृत कलश यात्रा विकासखंड अजमतगढ़ परिसर से नगर पंचायत अजमतगढ़ होते हुए जीएनपुर बाजार व तहसील सगड़ी होते हुए आजमगढ़ हरियोद कला केंद्र आजमगढ़ में अमृत कलश जमा हुआ, जिसमें उपस्थित खंड विकास अधिकारी कविता तिवारी व प्रभारी सहायक विकास अधिकारी पंचायत कमलेश कुमार, सचिव प्रदीप उपाध्याय, रामकेश सिंह, अभिषेक प्रभाकर, चीतानंद त्रिपाठी, संजय यादव, जितेंद्र कनौजिया, अमरजीत कुमार, वीओ आस्था सिंह, समस्त ग्राम प्रधान, समस्त पंचायत सहायक, समस्त सफाई कर्मचारी आदि लोग उपस्थित थे। ऑपरेशन पताल के तहत एक इनामिया बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आटा थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर इस बदमाश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किया गया बदमाश कानपुर देहात से लेकर रहने वाला बताया जा रहा है। इसके ऊपर जालौन पुलिस द्वारा 25,000 रुपए का इनाम घोषित था, और इस गिरफ्तार किए गए बदमाश के खिलाफ पहले से भी कई थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं।
थाना आटा द्वारा एक अभियुक्त को पकड़ा गया है, क्या मामला है? आज थाना आटा पुलिस को काफी शानदार सफलता हासिल हुई है। ऑपरेशन पाताल के तहत एक साथी अभियुक्त जो कि 25,000 का नामिया था, आज उसको गिरफ्तार किया गया है। इस अभियुक्त का नाम था इस्माइल पुत्र हाशन खां, निवासी थाना राजपुर, जिला कानपुर देहात। इस अभियुक्त के खिलाफ आपराधिक इतिहास देखें तो काफी लंबा इसका आपराधिक इतिहास है। इसके खिलाफ 203/23 गैंगस्टर एक्ट का भी मुकदमा पंजीकृत था। आज इस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है बृहद चमारी गांव के पास से, और गिरफ्तार कर इस अभियुक्त को और अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की अनुमति से टीवी चैनलों पर पार्टी का पक्ष रखने के लिए पार्टी द्वारा कुल 64 मीडिया पैनलिस्ट पार्टी वक्ताओं प्रवक्ताओं की नई सूची 25 अक्टूबर 2023 को जारी की गई है। आजमगढ़ से अशोक यादव, आईपी सिंह, डॉक्टर अभिषेक राय और चंचल यादव को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। अशोक यादव ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की विश्वास पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। पार्टी की नीतियों और विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम टीवी चैनल के माध्यम से करूंगा, ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में पार्टी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हो सके। साथियों, मेरे जैसे एक छोटे से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी पुनः दे करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो विश्वास मेरे ऊपर व्यक्त किया है, उनके विश्वास पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। पार्टी की नीतियों को टीवी चैनलों के माध्यम से जन जन तक पहुँचाने का ईमानदारीपूर्वक प्रयास करूँगा, ताकि पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कम से कम नंबर वन पोजीशन पर आए। साथियों, मेरे इस उपलब्धि में समाजवादी पार्टी के खासतौर से आजमगढ़ के समस्त वरिष्ठ नेतागण, समस्त कार्यकर्ता साथी सबका योगदान है, और मेरी यह उपलब्धि उन सभी लोगों की देन है। मैं अपने आप को हमेशा पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता मानते आया हूँ और मानता रहूँगा, क्योंकि जिस दिन आप अपने आप को बड़ा मान लेते हैं उसी दिन से आपके छोटे होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। एक बार पुनः अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को सादर आभार और अभिनंदन। तो खबर आजमगढ़ के अतरौलिया से है, जहां विकास खंड अतरौलिया ब्लॉक व नगर पंचायत अतरौलिया से गाजे बाजे व तिरंगे के साथ जिला मुख्यालय के लिए रवाना हुई अमृत कलश यात्रा। आपको बता दें कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रदेश भर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत अमृत कलश यात्रा बृहस्पतिवार समय लगभग 10 बजे करीब अतरौलिया विकासखंड से व नगर पंचायत अतरौलिया से गाजे बाजे व तिरंगे के साथ जिला मुख्यालय के लिए रवाना हुई। अतरौलिया विकासखंड के प्रत्येक गाँव से आए कलश को ब्लॉक मुख्यालय पर एकत्रित किया गया था, जिसको आज भाजपा जिला उपाध्यक्ष लालगंज चंद्रजीत तिवारी एवं खंड विकास अधिकारी श्वेतांग सिंह, एडीओ पंचायत सीपी दुबे ने कलश यात्रा को लेकर जिला मुख्यालय के लिए रवाना हुए। इस दौरान सैकड़ों लोग हाथों में तिरंगा झंडा लिए डीजे की धुन पर भारत माता की जयकारे लगाते रहे। देशभक्ति गीतों से पूरा ब्लॉक परिसर गुंजायमान हो उठा। इस दौरान ग्राम सचिव, ग्राम प्रधान समेत सैकड़ों लोग अमृत कलश यात्रा में सम्मिलित हुए। इसी कार्यक्रम के में अतरौलिया नगर पंचायत से अधिशासी अधिकारी डॉक्टर लव कुमार मिश्रा के नेतृत्व में अमृत कलश यात्रा आजमगढ़ जिला मुख्यालय के लिए नगर पंचायत कार्यालय से गाजे बाजे के साथ नारे लगवाते हुए रवाना की गई।